ॐ गणपतये नमः। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको लगातार एक के बाद एक आने वाले संकटों, खतरों, परेशानियों और क्लेशों से मुक्ति पाने के लिए एक अत्यंत सटीक और महाशक्तिशाली हनुमान जी के तुरंत शत प्रतिशत काम करने वाले मंत्र के बारे में जानकारी दे रही हूँ। अगर आपको लगातार दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा है और आपको लाख कोशिश करने पर भी किसी भी काम या कार्य में सफलता नहीं मिल रही है और आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हो, तब आप हनुमान जी के शरण में जाकर इस मंत्र का जाप कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। यह एक आजमाया हुआ अत्यंत विश्वसनीय हनुमान मंत्र है, जिसका वर्णन श्री हनुमान अष्टोत्तर शतनाम नामावली यानी कि हनुमान भगवान के 108 नामों के क्षेत्र में पाया जाता है। और यह मंत्र हनुमान जी के नाम क्रमांक 38 श्रृंखला बंध मोचक इस नाम पर आधारित है। अगर आप पूरी तरह से हताश हो चुके हो और आपको एक के बाद एक संकटों, परेशानियों और बाधाओं का सामना कर पड़ना पड़ रहा है, तब आप किसी भी दिन इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हो। मंत्र जाप करने के लिए सिर्फ हनुमान जी पर अटूट भक्ति और श्रद्धा होना आवश्यक है। इसके अलावा मंत्र का जाप करने के लिए किसी भी प्रकार के नियम और बंधन नहीं है। यह एक शीघ्र फलदायी हनुमान मंत्र है, जिसे अगर आप हनुमान जी पर श्रद्धा रखकर बोलोगे तो इस मंत्र का असर आपको तुरंत प्राप्त होने लगेगा और दुर्भाग्य की श्रृंखला बंद हो जाएगी। इस मंत्र का जाप आप अपने इच्छा के अनुसार हनुमान जी का स्मरण करने के बाद उठते बैठते, सोते जागते, काम करते वक्त जितना चाहे उतना मानसिक या वाचिक जाप कर सकते हो। या अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस मंत्र को सवेरे या रात को लगभग 5 से 10 मिनट बोल सकते हो। अब मैं आपको मंत्र सुनाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए और मंत्र के बाद मैं आपको इस मंत्र का अर्थ बताऊँगी। मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रृंखला बंध मोचकाय नमः। ओम श्रृंखला बंध मोचकाय नमः। ओम श्रृंखला बंध मोचकाय नमः। अब मैं आपको इस मंत्र का अर्थ बताऊंगी, ध्यान से सुनिए। संकटों की श्रृंखला से मुक्ति देने वाले हनुमान जी को मेरा नमन। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।